हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सर्च किया जाने वाला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि है कि RRB NTPC। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि RRB NTPC एंड RRC ग्रुप डी, इसका एग्जाम कब होगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता दूंगा और आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, आप लोग सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और जब एग्जाम होगा तब मेरे चैनल पर आकर बताइएगा कि बैजनाथ सर ने बताया था जो वो सही है। मैं हूँ बैजनाथ और आप देख रहे हैं एग्जाम तक वॉरियर्स। अगर आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज हम पूरा टोटली बात करने वाले हैं कि RRB NTPC एंड RRC ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। देयर इज नो ऑफिशियल न्यूज अबाउट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट ऑफ RRB NTPC एंड RRC ग्रुप डी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इसका एग्जाम जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मतलब मैं जानता हूं, जहां तक मेरा अनुमान है, इसका एग्जाम, और इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बताया भी था कि जून या जून लास्ट में इसका जो एग्जाम होगा वो होगा जून लास्ट में हो सकता है या फिर जुलाई स्टार्टिंग में। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जून लास्ट में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में इसका एग्जाम हो सकता है, अगस्त में भी जा सकता है। अब ये मत कहिएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जब एग्जाम होगा, मैं एक बात पहले ही बता दिया हूं कि ये मेरा अनुमानित डेट है कि यहां तक एग्जाम हो सकता है, जून लास्ट में या जुलाई स्टार्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे वैसे जो भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसमें से 70% बच्चों का जो कोर्स हो चुका है वो हो चुका है पूरा, 70% बच्चों का कोर्स हो चुका है पूरा। तो जो भी 30% बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, जिन्होंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी, तो वो लोग मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वो लोग क्या करें, मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे और पूरी की पूरी NTPC और ग्रुप डी मैथ्स रीजनिंग की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अभी से। और आप लोग मेरे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ज्यादा मैं टीचर्स को लाऊंगा। और सुबह में संडे 5 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल संडे को आपको आना है 11 बजे लाइव मेरे चैनल पर। आपको जो भी क्वेरी पूछनी होगी आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं, 5 अप्रैल संडे 11 AM। और सरप्राइज का बाप, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइज की घोषणा मैं उसमें करने वाला हूँ। क्या होगा सरप्राइज, क्या हो सकता है, किस पैकेज की हो सकती है घोषणा, NTPC ग्रुप डी CGL मेंस के लिए क्या हो सकती है रणनीति। तो आप सभी मेरे चैनल पर आए 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे, बहुत ही बड़ा सरप्राइज। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो मैथ्स का कोर्स चलता है सुबह में, वो चलता है सुबह में 7 बजे। तो 7 बजे आप लोग डेली सुबह 7 बजे यानी कि मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे सुबह में 7 बजे आप लोग मेरे चैनल पर आ जाएं और आप लोग देखेंगे कि ऐसा ऐसा बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन कराता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। कि शायद ही आपको, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट विथ ट्रिक के साथ कराता हूँ। तो आप सभी जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर पसंद आता है। तो मतलब लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि इसका एग्जाम भी टाइम है जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में। तो अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास फुल समय है कि आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह का इंफॉर्मेशन लाता रहूं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है कि इसका एग्जाम कब हो सकता। आप कमेंट करके बताइए कि इसका एग्जाम कब हो सकता, आप अपने अनुसार बताइए, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं है। तो अब मैं देखता हूं कि कौन सा स्टूडेंट किसका अनुमान सही रहता है, तो कमेंट करके बताएं कि एग्जाम कब हो सकता है। तो दोस्तों, बस वीडियो को इसी पर एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।